हेलो एवरीवन, आज के एडिशन में विल टॉक अबाउट गॉस लॉ। दर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर ऑफ क्लास 12th इज़ गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक ऑफ गॉस लॉ पे आइए कि गॉस लॉ में क्या कहा गया है। देखिए, गॉस लॉ ये कहता है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ, लेट मी राइट इट, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीग्रेशन, एक सेकेंड, ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। तो मैंने क्या लिखा है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। नाउ व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन आपको करना है ई डॉट ds का, जहाँ ds जो है वो एलिमेंटल एक एरिया है, पैच है उस सरफेस के ऊपर, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। जब आप एरिया के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो उसको आप सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई आर्बिट्री सरफेस है, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखा हुआ है। तो ये यहाँ फील्ड लाइंस बना दी मैंने, तो आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करना। अब ये क्लोज सरफेस नहीं है, गॉस लॉ में जो इंटीग्रेशन होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्लोज सरफेस के लिए होता है, ठीक है। मैं केवल आपको ई डॉट डी एस का मतलब समझाने के लिए बना के दिखा रहा था। तो यहाँ पे एक छोटा सा हम पैच ले लेते हैं, ये देखिए एक छोटा सा पैच हमने लिया। इस पैच का अपना एक एरिया वेक्टर होगा जिसको कि हम कहेंगे डी एस वेक्टर। तो इसी ई डॉट डी एस का आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं, मे बी इनके बीच का एंगल थीटा है, और ये आप उस पूरे क्लोज सर्फेस के लिए करते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम फ्लक्स भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस और द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface, the net charge enclosed by the surface। यानी ये जो इंटीग्रल हमने लिखा है, जिसको कि हम फाई भी कह सकते हैं, उसकी वैल्यू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, फाई को। कुछ बच्चों से मैं पूछता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब जो है या डेफिनेशन जो है मैथमेटिकल हो सकती है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही हम सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। बेसिकली द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये दोनों एक ही चीज़ है,
जब मैं डेफिनेशन पूछता हूँ तो बच्चा रिप्लाई करता है कि सर इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ना, पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू दैट सरफेस, जिससे हम फ्लक्स निकाल रहे हैं उससे जितने फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली गुजरेंगे। देखिए ये एक मिसकंसेप्शन है, इक्वल नहीं होता। ये जो फ्लक्स है जिसको हम फाई कहते हैं, इट इज़ नॉट इक्वल टू, फाई इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलरली। इक्वल नहीं होता, प्रोपोर्शनल होता। इक्वल कैसे हो सकता है, नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं, और फ्लक्स जो है वो बाकायदा एक फिजिकल क्वांटिटी, इट हैज़ अ यूनिट, इट इज़ न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल नहीं होता, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये देखिए हमारा गॉस लॉ है। तो गॉस लॉ का तीन मेन एप्लीकेशन है, ठीक है। पहला एप्लीकेशन क्या है कि आप किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से फील्ड की डेरिवेशन करते हैं। आपको 12th क्लास में आपके टीचर ने कराया होगा बड़े सारे डेरिवेशन गॉस लॉ का यूज़ करके, ठीक है, कि भाई एक इनफाइनाइट वायर है जिसके ऊपर चार्ज है, तो उसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के आप बताइए किसी पॉइंट पे, इनफाइनाइट प्लेन ऑफ चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उसके सामने, एक कंडक्टिंग स्फीयर के वजह से उसके अंदर उसके बाहर फील्ड क्या होगी, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वजह से क्या होगी, एंड सो ऑन। तो ये सब डेरिवेशंस गॉस लॉ के थ्रू किए जाते हैं, क्योंकि बेसिक कूलम्स लॉ के थ्रू अगर हम ये करेंगे तो हमें काफ़ी लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है। दूसरा एप्लीकेशन ये है कि अगर आपको फ्लक्स पता है तो आप इनक्लोज्ड चार्ज निकाल सकते हैं, और अगर आपको एनक्लोज्ड चार्ज पता चल जाए तो आप फ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर, डेरिवेशंस तो नीट में जेई में आएंगे नहीं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर फोकस्ड होते हैं इसी पे कि फ्लक्स किसी तरह से बच्चे से निकलवा लो और उससे फिर उससे क्यों इनक्लोज्ड पूछ लो या वाइस वर्सा। तो आइए कुछ एक कॉमन क्वेश्चंस हम लोग इससे डिस्कस करते हैं। जैसे ये आपसे पूछा जाए कि भाई एक क्यूब है ये देखिए क्यूब बना रहे हैं, ये देखिए हमारा क्यूब रेडी हो गया, ठीक है, और एक चार्ज जो है वो इस क्यूब के फेस सेंटर पे प्लेस्ड है। सो चार्ज इज प्लेस्ड एट द फेस सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज सेइंग अ पॉइंट चार्ज is placed at the face center of a cube. Find the flux through the cube. Find the flux through the cube, ठीक है। तो आइए हम इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। अब आपको करना क्या है, somehow आप इसको गॉस लॉ के दायरे में लाइए। अब गॉस लॉ के दायरे में लाने के लिए क्या चाहिए बताइए। गॉस लॉ के दायरे में लाने के लिए आपको इस क्यूब, इस चार्ज को इनक्लोज्ड चार्ज बनाना पड़ेगा पहले। यू नीड टू हैव अ
इंक्लोज्ड चार्ज, क्लोज सरफेस तो है हमारे पास लेकिन अभी चार्ज इंक्लोज्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम एक बिल्कुल आइडेंटिकल क्यूब इमेजिन करते हैं जो इस क्यूब के एडजेसेंट कुछ ऐसे रखा हुआ है कि एक क्यूबॉइड फॉर्म होता है और हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो बिल्कुल उस क्यूबॉइड के सेंटर पे आ जाता है। ठीक है, अब देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आप मेरे को बताइए कि ये बनाने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू क्यूबॉइड, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे फ्लक्स थ्रू क्यूबॉइड जो होगा दैट इज एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हाट इज एनक्लोज्ड चार्ज दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब, तो इस क्यूबॉइड के टोटल फ्लक्स की शेयरिंग दोनों क्यूब में हो रही है और इक्वली हो रही है, इन दोनों का हिस्सा बराबर होना चाहिए, इस हिसाब से यहां पे आंसर क्या होना चाहिए बताइए, क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज को पहले इनक्लोज्ड बनाइए, अपने प्रॉब्लम को गॉस लॉ के दायरे में लेके आइए। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा आप इस बेसिस पे शायद उसका आंसर बिना डायग्राम बनाए ही दे पाए। जैसे अगला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, मैं बार बार डायग्राम बना के लेट्स नॉट वेस्ट टाइम हियर, और क्यों ना मैं इसी डायग्राम को मॉडिफाई करूँ। तो देखिए ये जो चार्ज रखा हुआ था बेटा, ये रखा हुआ था फेस सेंटर पे, इसका नाम हमने रख दिया है चलो मान लो ओ। इसके अलावा हम कुछ चार्ज और रखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं एक चार्ज हम लोग इस पॉइंट पे, नहीं पी पॉइंट एक ले लिया जाए, अभी हमने ओ पे चार्ज रखा था। ठीक है, और एक हम रख सकते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम कुछ कुछ लिख देते हैं, ए और बी लिख देते हैं। तो अगला सवाल हमारा ये है, सेम डायग्राम में देखिएगा, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब इफ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट बी। अब आप मेरे को डायरेक्ट इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा। तो अगर ये चार्ज ओ पे नहीं होता, अगर ये चार्ज बी पे होता तो आपको कितने और क्यूब लगाने पड़ते कि ये चार्ज सिमेट्रिकली इनक्लोज हो जाए। क्या हमें चार्ज क्यूब लगाने पड़ेंगे, हमें चार क्यूब लगाने पड़ेंगे। देखिए एक यहाँ लगेगा ऐसे और दो ऐसे ठीक इसके ऊपर लगेंगे, तो टोटल हमें चार क्यूब लगाने पड़ेंगे, और चारों क्यूब का शेयर क्या होगा बताइए, इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बताइए, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्यू डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। और यही अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब इफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए, यहां पे, तो इसी क्यूब को एनक्लोज करने के लिए फिर हमें कितने क्यूब्स की जरूरत होती, आइए ट्राई करते हैं।
देखिए, मैं आपको डायग्राम कोशिश करता हूँ कि जल्दी से समझा दूँ। ऐसे ऐसे टोटल 8 क्यूब की ज़रूरत होती। ये हमारा वो क्यूब है जिसको लेके हम चल रहे हैं क्वेश्चन में। और बेटा चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे आपने प्लस क्यू चार्ज को प्लेस कर दिया। तो इस चार्ज को सिमेट्रिकली इनक्लोज करने के लिए हमें कितने क्यूब्स की ज़रूरत होती? हमें 7 और क्यूब्स की ज़रूरत होती, तब कहीं ये चार्ज कहाँ पे आता? सेंटर पे आता। अब इस बड़े वाले क्यूब के थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये होगा फ्लक्स थ्रू बिगर क्यूब। बिगर क्यूब से जो फ्लक्स होगा दैट विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाई? बिकॉज इट इनक्लोजेस द चार्ज क्यू। और इसके 8 जो कॉन्स्टिट्यूएंट क्यूब्स हैं उन सबको ये फ्लक्स इक्वली मिलेगा। तो इसका मतलब व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच स्मॉल क्यूब? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच स्मॉल क्यूब? तो ऑब्वियसली जो बिगर क्यूब का फ्लक्स है उसका 1/8 करेंगे, उसको 8 हिस्से में डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? क्यू डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से प्रॉब्लम के अंदर हम पहले गॉस लॉ के दायरे में क्वेश्चन को ले आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर ये देखिए एक सिलेंडर बना हुआ है, और ये सिलेंडर का एक्सिस है, और एक चार्ज क्यू ठीक सेंटर ऑफ सिलेंडर पे यानी एक्सिस के बीचों बीच रखा हुआ है। ठीक है, द क्वेश्चन इज सेइंग इफ द फ्लक्स थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन इज फाई नॉट, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, सॉरी कर्व्ड सरफेस, आई एम सॉरी कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। सो टेल मी, क्या ये सिलेंडर क्लोज सिलेंडर है? हाँ जी क्लोज सिलेंडर है। तो बताइए कि कुल सिलेंडर से जो टोटल फ्लक्स जाएगा क्या वो क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा पूरे सिलेंडर से? अब पूरे सिलेंडर के फ्लक्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, जो इसके क्रॉस सेक्शंस के थ्रू फ्लक्स होकर जा रहा है वो, और दूसरा जो इसके कर्व्ड सरफेस से होकर फ्लक्स जा रहा है वो। क्रॉस सेक्शन कितने हैं? 2 क्रॉस सेक्शन है, तो ये दोनों का जो सम होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी टोटल फ्लक्स इज फ्लक्स ड्यू टू फ्लक्स थ्रू 2 क्रॉस सेक्शंस, क्रॉस सेक्शन माने ये और ये, एंड कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, ये दोनों मिलके क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होंगे। और क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शन के थ्रू फ्लक्स दिया हुआ है फाई नॉट,
ईच क्रॉस सेक्शन के थ्रू। तो यहाँ से बड़ी आसानी से आपको कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स मिल जाएगा। बताइए आंसर क्या आएगा। द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस टू फाई नॉट। तो इस तरह से हम गॉस लॉ को यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए। ये एक मेटल स्फीयर है, और इस मेटल स्फीयर के समक्ष एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखा हुआ क्यू, और एक क्लोज्ड सरफेस है जो कुछ यू गुजर रहा है। ये जो क्लोज सरफेस यहां बना हुआ है, इसके थ्रू आपको फ्लक्स निकालना। तो जिसके थ्रू आप फ्लक्स निकालते हैं, जिस क्लोज सरफेस के थ्रू, उसको आप कहते हैं गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं उसको आप? गॉसियन सरफेस। ठीक है, क्वेश्चन इज सेइंग द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी जीरो एंड डी वी डोंट हैव सफिशियंट डेटा टू गेट द आंसर। सो डेटा इनसफिशियंट। माइंड इट, दिस मेटल स्फीयर इज अ न्यूट्रल वन। नाउ हाउ टू गेट टू द आंसर। देखिए अब मैं आपको आंसर बताता हूं। ये जो पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसके वजह से मेटल स्फीयर के ऊपर इंड्यूस्ड चार्ज बनेंगे, और इंड्यूस चार्ज ऑपोजिट बनते हैं, तो यहां पे माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अट्रैक्शन के वजह से नेगेटिव चार्ज सामने आ जाएगा, लेकिन स्फीयर तो ठहरा न्यूट्रल, तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव चार्ज होंगे रिपल्शन के वजह से, वो इस एंड पे आ जाएंगे, दूसरी तरफ आ जाएंगे। तो जो आपका गॉसियन सरफेस है, उसको जो चार्ज मिलेगा वो किस तरह का चार्ज मिलेगा? द गॉसियन सरफेस विल इनक्लोज व्हाट काइंड ऑफ चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? दैट विल बी द पॉजिटिव फ्लक्स। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड देन वी विल वाइंड इट ऑफ, क्योंकि लेक्चर लंबा होता जा रहा है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, वी हैव अ क्यूब अगेन, सो लेट्स क्विकली ड्रॉ द क्यूब। ये देखिए हमने क्यूब बना लिया। अब हमें एक लाइन ऑफ चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, और वो लाइन ऑफ चार्ज इस क्यूब के डायगोनल के अलोंग होकर गुजरता है।
ये देखिए, ये देखिए, ये जो लाइन ऑफ चार्ज है, इट इज इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए इस पे, और ये क्यूब के डायगोनल के अलोंग गुजर रहा है, क्यूब को पार कर। जो क्यूब है उसकी साइड की लेंथ दी हुई है, दैट इज गिवन टू अस, एंड दैट इज ऑफ लेंथ ए, एंड द इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज जो हमें गिवन है, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ साफ साफ क्वेश्चन में दिख रहा है, ठीक। ये क्यूब है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, नोट एल बी, जो फ्लक्स होना चाहिए क्यूब से, क्या वो नेट एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं होना चाहिए? अब बताइए नेट चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, तो नेट चार्ज उतना ही इनक्लोज्ड होगा, जैसे मान लीजिए ये पी पॉइंट से इंटर करता है, ए पॉइंट से इंटर करता है और बी पॉइंट पे लीव कर रहा है ये क्यूब को, मतलब जो डायगोनल है उसके एंड्स को हम ए और बी मानते हैं। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि इस ए बी लेंथ ऑफ वायर में जितना चार्ज है वही क्यूब के अंदर फंसा हुआ है? सो इट इज़ द चार्ज ऑन लाइन ए बी दैट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट वी हैव टू डू, एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन ए बी, ऑब्वियसली इट इज लैम्डा इनटू द लेंथ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हाट इज लेंथ ऑफ ए बी, क्यूब के डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? इट्स रूट थ्री टाइम्स ऑफ साइड ऑफ क्यूब, सो दिस इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो ये कुछ बेसिक एप्लीकेशंस देखिए हमने गॉस लॉ के आज किए हैं, गॉस लॉ का हमने मतलब समझा। तो ज़्यादातर आपको क्यू इनक्लोज्ड जो है उसकी जानकारी अगर हो जाए तो आप फ्लक्स को इजीली बता सकते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।